आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जो वचन जनता से किए हैं उनके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। तो जो व्यक्ति जिनको प्रतिमाह 500 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से एक सिलेंडर उनको मिलेगा। हमने जो ये वादे कर रखे हैं, इन वादों पर हम आज भी अपने जगह पर खड़े हैं, अपने वचनों पर खड़े। पौड़ी जिले के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर मुझे शंका थी। उनके बहुत से ऐसे काम हैं जो लगता है कि वो किसी पार्टी को फेवर करने से संबंधित है। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद दूसरे नेताओं के नाम पर यहाँ वोट मांग रहे थे। अब वहाँ जाके इनकी शक्ल से कौन वोट देने वाला है? उत्तर प्रदेश का मैजिक और उत्तराखंड का मैजिक चलेगा इस बार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में। आपके साथ मैं हूँ अंकित काला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 जो कई महीने में खास है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके की परिस्थिति देख रहे हैं। सर, पहले तो आपका जय भारत टीम में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विधानसभा चुनाव में मैं स्पष्ट रूप से, मैं कई विधानसभा चुनाव में लड़ा भी हूँ, हमने लोकसभा के भी इलेक्शन देखे हैं, लेकिन जो आम मतदाता का जो रुख दिख रहा है वो बहुत स्पष्ट है कि इस प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये जनता का आशीर्वाद के स्वरूप हम इसको स्वीकार करते हैं और अपने उन वचनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो हमने जनता से किए हैं, जो वचन जनता से किए हैं उनके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। मैं समझता हूं कि आने वाली जो सरकार होगी, वो आने वाली सरकार जो हमने कहा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी को समाप्त करने वाली सरकार होगी, मैं उस अपने वचन पर प्रतिबद्ध हूं। हमारी प्रतिबद्धता है और इसी अनुरूप हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्रतिपक्ष जी ने कहा कि जो सिलेंडर है आप लोगों ने ये वादा किया था जनता से कि 500 के पार नहीं होने देंगे, अभी उसमें ये कन्फ्यूज़न है कि कोई कह रहा है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मिलेगा, हरीश रावत जी ने कहा है कि वो सभी को देंगे, तो इसमें अभी तक क्या स्पष्टता नहीं? मैं ये मानता हूँ कि हमने जो वादा किया है वो सभी के लिए किया है, लेकिन समाज में ऐसे वर्ग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं ऐसे कि जो आर्थिक रूप से पूरी तरह समृद्ध हैं, अच्छे स्थिति में हैं, तो उन्हें प्रतिमाह 500 रुपये का कोई खास फर्क उन्हें नहीं पड़ता। तो जो व्यक्ति जिनको प्रतिमाह 500 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी जो ऐसा चाहते हैं कि उन्हें 500 रुपए में सिलेंडर मिले, उन सबको 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से एक सिलेंडर उनको मिलेगा। ये हम आज भी अपनी बात पर खड़े हैं, सिलेंडर 500 के अंदर होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो सिलेंडर की बात है, हमने जो और कहा है कि हम 5 लाख परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता करेंगे, हम बेरोजगारी समाप्त करेंगे, हम अपने सभी जो वादे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी लाएंगे, हमने जो ये वादे कर रखे हैं इन वादों पर हम आज भी अपने जगह पर खड़े हैं, अपने वचनों पर खड़े हैं। आपको सभी 70 विधानसभा से आपने फीडबैक लिया होगा, उसमें क्या निकल करके आया है, कितनी सीटें आपको लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में? आप लोगों से ज़्यादा किसी को पता होता है क्या? हमसे ज़्यादा पता तो आपको, आप ही लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 50 सीटों तक आ रही है। तो धन्यवाद आप लोगों का कि कांग्रेस पार्टी 50 सीटों तक आ रही है, ये आप लोगों के शब्द हैं। मैं तो देखो, मैं अंकों में विश्वास नहीं करता, ये जनता का अधिकार है, जनता तय करती है कि कितनी सीटें किसको देनी है, और मुझे उत्तराखंड की जनता पर विश्वास है कि वो अच्छी खासी सीटें ऐसी सरकार बनाने के लिए हमें सीटें दे रही है जो सरकार रात दिन इस चिंता में न हो कि कहीं संख्या में हम कम तो नहीं हो गए। तो इस प्रकार की सरकार बनने जा रही है और मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीनगर में क्या स्थिति है? श्रीनगर में भी अच्छी स्थिति। आप बार बार बोल के क्या मतलब है? जो है वो मशीनों में बंद है। मेरी पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी और 10 तारीख का इंतज़ार करिए, उस दिन सब कुछ बाहर आ जाएगा। सर, सभी जिलाध्यक्षों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि जो मतगणना स्थल है वहाँ पर निगरानी रखें, तो जब जिला प्रशासन ने इतनी सुरक्षा कर रखी है तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार पे आपको विश्वास नहीं है क्या? पौड़ी जिले के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर मुझे शंका थी। उनके बहुत से ऐसे काम हैं जो लगता है कि वो किसी पार्टी को फेवर करने से संबंधित है, मुझे ऐसी शंका थी। मैंने पौड़ी जिले के लिए व्यवस्था की अपनी ओर से और इसके साथ साथ सभी जिलों में मैंने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो मतगणना स्थलों को निगरानी में रखें। भाजपा के कई बड़े नेता सर ये भीतरघात की बात कह रहे हैं, बिशन सिंह चौपाल है और भी लक्सर के विधायक हैं, ये संकेत क्या बता रहे हैं कि क्या पहली हार मान ली? ये हार के बहाने हैं, वो उनकी हार निश्चित होने वाली है तो बहाने ढूंढ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 साल भी अंदर सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन सत्ता में थे तो सब शेयर होल्डर थे, अब सत्ता जाने को है तो आपस में जूतम पैजार होने को है, ये
सामने दिख रहा है और आप 10 तारीख का चुनाव आते आते देखिए होता है क्या। एक अंतिम प्रश्न है, भाजपा के कई बड़े नेता अब यूपी में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे और उत्तराखंड में आपने देखा किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, आपको लग रहा है इस प्रचार का कोई फायदा? उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद दूसरे नेताओं के नाम पर यहाँ वोट मांग रहे थे, अब वहाँ जाके इनकी इनकी शक्ल से कौन वोट देने वाला है? 2000 वोट कम ही होंगे, लोग कहेंगे कि अच्छे थे तो तुम्हारे यहाँ क्या हाल हुए। तो ये खाली बेमतलब की बातें हैं और अपना उनका काम है, वो जो करें करें। प्रश्न सर, साल 2017 में मोदी मैजिक दिखा था जिसमें प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, इस बार आपको वो मोदी फैक्टर दिखा? इस बार उत्तराखंडी मैजिक दिखेगा, उत्तराखंड के लोग अपना मैजिक बताएंगे, मोदी जी को भी आईना बताएंगे, योगी जी को उत्तर प्रदेश के लोग आईना बताएंगे और उत्तर प्रदेश का मैजिक और उत्तराखंड का मैजिक चलेगा इस बार। आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश खोदियार जो जीत का दावा कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।